श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा के बैनर तले भव्य शोभा यात्रा के साथ ही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जाएगा। इसे लेकर कोसरिया यादव समाज के जिलाध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में इस तरह की जानकारी दी। दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा के बैनर तले आगामी 28 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर दुर्ग के पचरी पारा वार्ड के यादव छात्रावास भवन में भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग शामिल होंगे। हम फिर अपनी जो सत्य दिखाएंगे, सफल दिखाएंगे, उसके माध्यम से अगर लोग जाग जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं जागेंगे तो वर्तमान में हम माननीय श्री कृष्ण यादव जी की पीड़ा तो हमारे जो एक बार कोई मांग नहीं होता चाहे इसी कड़ी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष कोसरिया यादव महासभा के द्वारा भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इस बार भी और भी नए अंदाज में शोभा यात्रा निकालने की बात कही गई। साथ ही इस अवसर पर एक घंटे का संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें कथाव्यास सुश्री गोपी केश्वरी देवी द्वारा प्रवचन किया जाएगा। इसके साथ ही पत्रकार वार्ता में दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा के जिलाध्यक्ष बोधन राम यादव और युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रीतम यादव ने कार्यक्रम को लेकर प्रतिक्रिया दी। जब हमने पिछले वर्ष किया था तो उसमें क्या हुआ था कि गोपी केशवरी देवी जी की कथा प्रवचन हमने रखा हुआ था। इस बार इस्कॉन टेंपल वाले जो हमारे भाई हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो इस बार ये होगा कि प्रवचन के पश्चात इस्कॉन टेंपल वाले भाइयों के द्वारा भजन मंडली के साथ एक झांकी निकलेगी श्री कृष्ण जी की, और उसके साथ साथ अलग अलग जो हमारे नृत्य हैं छत्तीसगढ़ के वो सारे हमारे साथ में ही रहेंगे, जैसे राउत नाचा हो गया, ककसार नृत्य हो गया, और दो तीन टाइप के जो राउत नाचा अलग अलग जो हमारे दुर्ग है, धमदा है और मतलब पाटन है, यहाँ से भी एक टीम आ रही है, गेड़ी नृत्य आ रही है जिले भर से। हम लोग अंतिम वर्ष में एक सोच रखे थे कि 5,000 से 10,000, लेकिन उस बार 15,000 पब्लिक पूरी पहुँच चुकी थी, और निश्चित ही जब उस समय हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि 10 से 15,000, तो इस बार भी हम जिस तरीके से चाह रहे हैं और जिस तरीके से हम सभी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो निश्चित ही संख्या बहुत है। द्वारा ये जो कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा 28 अगस्त दिन बुधवार को सवेरे 7 बजे भगवान श्री राधा रानी की पूजन अर्चना के बाद भजन के माध्यम से कीर्तन के माध्यम से यादव छात्रावास पचरी पारा दुर्ग से 11 बजे भ्रमण की ओर निकलेंगे। और ये शोभा यात्रा इसलिए भव्य बनाया गया है क्योंकि आज का जो दिन है, लोग एक कलयुग है और कलयुग में अपनी जो संस्कार है, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो धरोहर है उसको लोग भूलते जा रहे हैं, तो हम श्री राधा रानी श्री कृष्ण भगवान की शोभा यात्रा निकाल कर हम सनातनियों को जगाना चाह रहे हैं और शोभा यात्रा के माध्यम से अपना जो दुर्ग जिला कोसरिया यादव महासभा जितने भी हमारे यादव समाज है उसको भी हम शोभा यात्रा के माध्यम से उसकी सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ने के लिए जगाने के लिए शोभा यात्रा हम करने जा रहे हैं। मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद है अपनी जो यादव समाज जनसंख्या के हिसाब से हमें सरकार के द्वारा कोई हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, ना कि हमारे यादव समाज अभी वर्तमान में माननीय श्री गजेंद्र यादव जी दुर्ग विधानसभा का विधायक है, उसको राज्य सरकार में मंत्री भी नहीं लिया गया, परंतु अन्य जो समाज है, अन्य जो वर्ग है उससे मंत्री बनाए गए हैं, तो हम सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं कि हमारे भी समाज को मंत्री लेवल पर दर्जा दिया जाए। और हमारा जो दूसरी मांग है, हम लोग गांव-गांव में फैले हुए हैं, भूतपूर्व माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उस समय गौठान चला रहे थे और जो गौठान की स्थिति आज भी वैसी है, तो हम लोग शासन से यही अपेक्षा चाहते हैं कि ग्वाला पहाड़ की योजना लागू कर हर गांव में 2-3-4 व्यक्ति को वहां पर यादव समाज को रोजगार दे और गौठान की जो अध्यक्ष है हमारे समाज को ये प्रतिनिधित्व देने की हम मांग करेंगे। एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से यादव समाज के द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस वर्ष भी DJ, धुमाल, झांकी और अन्य
तो मतलब बहुत सारे ऐसे चीज लगा हुआ है जिससे ध्यान आकर्षित होंगे हमारे यादव समाज के लोगों का। समाज में ये सामाजिक संदेश ये है कि हमारे श्री इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शोभा यात्रा है, तो हम समाज के लोगों को एकत्रित करके सामाजिक इकट्ठा जो होता है एक जगह स्थान में मतलब संदेश देना चाह रहे हैं जनसंख्या बल और शक्ति प्रदर्शन नहीं है ये मतलब समाज को इकट्ठा करके हम लोग। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।